IPL 2024 मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को बनाया कप्तान तो टूटा सूर्य कुमार का दिल। सोशल मीडिया पर जाहिर किया दुख। हार्दिक दो साल पहले मुंबई को छोड़कर गुजरात चले गए थे, वहां उन्होंने दो सीजन में कप्तानी की थी। अब वह वापस मुंबई की टीम में आए हैं और उन्हें कप्तान बना दिया गया है। हार्दिक दो साल पहले मुंबई को छोड़कर गुजरात चले गए थे, वहां उन्होंने दो सीजन में कप्तानी की थी। अब वह वापस मुंबई की टीम में आए हैं और उन्हें कप्तान बना दिया गया है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को IPL के अगले सीजन के लिए कप्तान बनाया है। रोहित 10 सालों तक मुंबई के कप्तान रहे। उन्होंने टीम को 5 बार खिताब जिताया। रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के बाद प्रशंसक निराश हैं। सिर्फ प्रशंसक ही नहीं बल्कि मुंबई के कुछ खिलाड़ी भी दुखी हैं। सीनियर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया है। सूर्य कुमार यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिल टूटने वाला इमोजी शेयर किया है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों को लग रहा है कि रोहित को कप्तानी से हटाए जाने पर सूर्य कुमार नाराज हैं। जा रहा था कि अगर रोहित कप्तानी से हटते हैं तो सूर्या को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। वह फ्रेंचाइजी के साथ लगातार बने हुए हैं। उन्होंने पिछले सीजन में कप्तानी भी की थी, लेकिन हार्दिक को कप्तान बना दिया गया। हार्दिक दो साल पहले मुंबई को छोड़कर गुजरात चले गए थे, वहां उन्होंने दो सीजन में कप्तानी की थी। अब वह वापस मुंबई की टीम में आए हैं और उन्हें कप्तान बना दिया गया है। सूर्या की पत्नी भी निराश। सूर्य कुमार यादव की इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी भावना जाहिर की। हालांकि उन्होंने कुछ देर बाद इसे डिलीट कर लिया। देविशा शेट्टी ने लिखा था, आप जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वह हमेशा याद रखा जाएगा। बुमराह ने जताई थी नाराजगी। सूर्य मुंबई इंडियंस से जुड़े पहले शख्स नहीं है जिन्होंने हार्दिक को टीम में लाए जाने या उन्हें कप्तान बनाए जाने पर दुख जताया है। जब हार्दिक ट्रेड के जरिए वापस मुंबई की टीम में आए थे तो जसप्रीत बुमराह ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट शेयर किया था। उसमें लिखा था, कभी कभी मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए बुमराह ने लिखा था, कभी कभी लालची होना अच्छा है और वफादार होना अच्छा नहीं है।